वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक DIY, जो मेरे लास्ट वीडियो में एक मैंने फेस पैक बताया था DIY, वो काफी लोगों ने पसंद किया था। तो मैंने सोचा कि एक और DIY क्यों ना बताऊं, जो मेरा सीक्रेट है। सो आज मैं वो सीक्रेट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो एक है बॉडी स्क्रब, जो मैं घर पे बनाती हूँ। वो बॉडी स्क्रब भी है और फेस मास्क की तरह भी आप उसको यूज कर सकते हो। आज जो मैं बॉडी स्क्रब बताने वाली हूँ, उसमें जो चीजें डलेंगी वो सारी चीजें आपकी किचन से मिल जाएंगी और बहुत इजीली आप उसको बना सकते हो, और पर उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। और एक और चीज कि उसको लगाने के बाद आपकी स्किन स्मूथ तो होगी ही, वो एंटी एजिंग भी है, आपकी स्किन टोन्ड होगी। और वो एक्चुअली बॉडी स्क्रब है, तो बॉडी में एक्चुअली वो आपके जो एक स्किन टोन लाइटर भी करेगी, आपका जो स्किन का टोन है, जो भी आपका कलर है, एक टोन लाइटर कर देगी अगर आप उसके रेगुलर यूज करते हो। तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपके किचन में इजीली आपको मिल जाएगा, कुछ परेशानी नहीं होगी आपको ढूंढने में। तो मैं बताऊंगी उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो मैं बॉडी स्क्रब की बात कर रही हूँ, उसको आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो एज अ फेस पैक, जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक फेस पैक बताया था, तो वैसे ही उसको भी फेस पैक की तरह यूज करके और ड्राई होने के बाद फिर मसाज करके फिर पानी से धो देना है। और बॉडी स्क्रब भी है ये, तो 2-in-1 है, सबके लिए काम आ जाएगा। और हाँ, ये एक और चीज है कि मेल फीमेल दोनों भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये बना के रखा हुआ है। वैसे मैं मंथली, मतलब 1 month के लिए बना के रख देती हूँ, स्टोर कर देती हूँ एयरटाइट कंटेनर में। सो ये खराब भी नहीं होता और ये कुछ इस तरह सा पाउडर दिखता है। तो इसमें मैंने क्या क्या डाला हुआ है, इसमें मैंने डाला हुआ है राइस, चावल, कोई भी आप चावल ले लो, और उसमें डाला है मसूर की दाल, उसमें डाली है चीनी, उसमें डाली है हल्दी, और इसमें डाला है बेसन, और इसमें डाला है आटा। तो ये 6 चीजें आपको इसमें डालनी है और उसको अच्छे से ग्राइंडर कर लेना है, ड्राई ग्राइंडर बिना पानी के। सो इसको फिर आप 1 month तक स्टोर कर सकते हो कोई भी एयरटाइट कंटेनर में, पर उसमें पानी नहीं जाना चाहिए, मतलब गीले चम्मच या गीली चीज नहीं जानी चाहिए, नहीं तो वो फंगस लग जाएगा, उसमें खराब हो सकता है। सो इसका पाउडर बना के मैं 1 month के लिए रख देती हूँ। और उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं जैसे ये छोटे ग्लास से मेजर कर लेती हूँ, ये छोटा ग्लास, इसमें आटा सेम क्वांटिटी, आटा हो गया, बेसन हो गया, और मसूर की दाल, चावल, चीनी, हल्दी, हाँ 6 चीजें हो गई। तो ये 6 चीजें सेम क्वांटिटी की लेके आपको ग्राइंडर करना है। बस एक जो चीज है हल्दी, उसको आपको हाफ लेना है, क्योंकि हल्दी अगर ज्यादा डालने से वो ज्यादा येलोइश हो जाएगा, फिर पता चलेगा कि येलो, तो हल्दी थोड़ा सा डालने से भी हो जाएगा। तो सब सेम क्वांटिटी आप किसी में भी मेजर कर लो, आप छोटी कटोरी में भी मेजर करते हो, तो सबकी इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए। बस वो जो हल्दी होगा उसका हाफ होगा, बाकी सब सेम रहेगा। और उसको आप इस तरह से ऐसे ड्राई ग्राइंडर करके एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हो 1 month के लिए, और ये खराब भी नहीं होता है। बट मैं क्या करती हूँ, 1 month के लिए रखने के बाद मैं 1 week के लिए, 1 हफ्ते के लिए एक पेस्ट बना के रखती हूँ, जो है ये वाला पेस्ट, वो इसी से ही बना है, यही पेस्ट है, जो ये भी आप स्टोर कर सकते हो फ्रिज में, जैसे इसका ऐसा पेस्ट बन जाता है। तो इसका पेस्ट ऐसे आप 8 दिन के लिए बना के रोज वाटर डाल के पेस्ट बना लो, या नॉर्मल वाटर डाल के पेस्ट बना लो और फ्रिज में स्टोर कर लो। तो ये मैं 8 दिन के लिए ऐसे स्टोर करती हूँ, जैसे ये खत्म होता है फिर मैं 8 दिन के लिए फिर स्टोर करती हूँ। पर 8 दिन से ज्यादा स्टोर करना भी ठीक नहीं है, अगर आप फ्रेश यूज कर लो तो ज्यादा अच्छा है, पर 8 दिन ठीक है, आप स्टोर कर सकते हो। और एक और चीज है कि इसमें आप नारियल का तेल भी डाल सकते हो, जैसे कि किसी की स्किन ड्राई है तो नारियल का तेल डाल के भी स्क्रब कर सकते हो। तो इसको फुल बॉडी स्क्रब है ये, नहाने से पहले आप इसको स्क्रब कर लीजिए फुल बॉडी और फेस पे, तो उसके बाद सोप लगाने की जरूरत नहीं है। और वैसे ये अल्टरनेट डे यूज करना है रेगुलरली, मतलब डेली बेसिस पे नहीं यूज करना है, डेली नहीं यूज करना है। और अगर आप एज अ फेस पैक यूज कर रहे हो
तो इसको वीकली ट्वाइस, और अगर बॉडी स्क्रब यूज कर रहे हो तो वीकली मीन्स वीक में 3 दिन लगाना है, तो वीक में 3 दिन लगाना है। सो ये था मेरा सीक्रेट जो मैं शेयर करना चाह रही थी, DIY जो मैं घर पे बनाती हूँ। और मैं वैसे सीक्रेट बताती नहीं हूँ सबको, तो काफी लोगों ने पूछा तो मैंने कहा चलो आप इस पे वीडियो ही बना लेते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। आज का वीडियो इतना ही था, अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना एंड टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आप ये ट्राई जरूर करना DIY, और आफ्टर वन मंथ बाद मुझे कमेंट करके बताना कि ये इफेक्टिव रहा या नहीं रहा। सो तब भी उसके बाद भी आप लाइक करोगे तो भी चलेगा, पर अभी पहले आप ट्राई करो इसको, कितना इफेक्टिव है आप मुझे बताना बाद में यूज करने के बाद। सो ये चीज मैं रेगुलरली यूज करती हूँ और करती आ रही हूँ हमेशा से, क्योंकि मैं अपनी स्किन का बहुत ज्यादा ही ध्यान रखती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।